वो पानी वाली पिचकारी होती है ना, क्या उसको कहते हैं, व्हाइट कलर की गंदी, वो हाथ में डाल के ना कहते हैं हर जगह आप इसे डालें। ओके, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, मतलब मैंने बोला यहाँ से ही यार व्लॉग शुरू कर लेते हैं। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ। जो मेरा कैमरा मैन है ना, उसके चल रहे हैं पेपर, तो यहाँ से ना सुबह के टाइम ये लोग ना रो पी कर गए थे, तो मुझे कहता है इस टाइम ना इसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, इसके चल रहे हैं असल में पेपर। कह रहे हैं मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो रोल क्या रो रो, आप भी रो, मतलब रो पीते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे करके ना ये रो वाला है, कहते बड़ी ठंडी इसने सुबह सुबह बनाई थी। तो अभी वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, जब मैं आ रहा था ना मुँह पे ऐसे जैसे गर्मी के थप्पड़ पड़ने लगे हुए थे, गर्मी से बुरा हाल हुआ हुआ है। यहाँ पे बन रही है अपनी रो, जिसको मैंने कहा है डिस्पोजिबल ग्लास में, भाई इसी पानी में धो रहे होते हैं ग्लास सारे। आ गई है जी अपनी रो, ये डिस्पोजेबल ग्लास में करवाई है। मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही है, काली नमक की लग रही है, मुझे काले नमक की कमी लग रही है, काला नमक डलवा के ना फिर टेस्ट आता है। अभी ना हम लोग बैंक आए हुए थे, मैंने बोला यार तू भी अंदर आ जा, बाहर इतनी गर्मी है ना, बालों से हालत देख रहे हो कि भाई तपती धूप पड़ रही है, और यहाँ पे ना एसी लगा हुआ है, तो मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया। ये अच्छी बात है, सैनिटाइजर के अंदर लगाया हुआ, असली सैनिटाइजर, वरना यार बैंक वाले क्या करते थे, वो पानी वाली पिचकारी होती है ना, क्या उसको कहते हैं, व्हाइट कलर की गंदी, वो हाथ में डाल के ना वो भाई हाथ साफ भी होते थे, गंदे हो जाते थे। अभी मेरे साथ ही फार्मेसी है, वहां पे जाना है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा भाई, इतनी ज्यादा गर्मी हुई है ना, मजा आ रहा है एसी के अंदर बैठे थोड़ी देर, यहाँ पे खाना वाना खाते हैं। अभी मुझे यहाँ से जाना है फार्मेसी, फार्मेसी पे मुझे एक मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने उसके बारे में कुछ सर्च किया था। 1 मंथ यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को भी बता सकूँगा कि उसका रिज़ल्ट कैसा है, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह उसके नहीं है, लेकिन मैंने जिस काम के लिए लेनी है मुझे वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब तंग भी करता है लेकिन ज़रूरी है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा फार्मेसी, मैं पहले भी बैंक जब मैं गया उसके बाद भी मैंने गया था फार्मेसी, लेकिन उनके पास उसकी दूसरा वेरिएंट पड़ा हुआ था, वो वाला नहीं थी मेडिसिन, तो वो मैंने फिर नहीं खरीदी। दूसरा दादी ने मुझे कहा हुआ है कि स्टीविया वगैरह लेकर आना है, आप लोगों से अगर काफ़ी लोगों को पता हो स्टीविया वगैरह कोई पौधा वगैरह आता है, जिन लोगों को शुगर वगैरह होती है उन लोगों के लिए ये होता है कि स्टीविया वगैरह जो है ना, स्टीविया वगैरह जो होता है वो चीनी के क्या उसे कहते हैं, बरक्स बोल लेंगे या ऐसे कुछ बोल लेंगे, वो यूज़ होता है। तो उसका ना कुछ ऐसा करके, मतलब ये पाउडर्स वगैरह आते हैं ऐसे करके, ये आप लोग देख सकते हो, ये चाय वगैरह में है, ये स्टीविया वगैरह के ऐसे करके पाउडर्स वगैरह आते हैं, ये अगर मुझे फार्मेसी से मिल जाता तो बहुत अच्छा है, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसे पाउडर्स वगैरह देते होंगे। ये ज़्यादातर ना इसके शाशे वगैरह या मेडिसिन में ही आते हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये सारे इसके ना स्टीविया वगैरह के ही आ रहे हैं, ये मैंने सर्च किया था, ये सारे मतलब के, और ये काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, शुगर वाले लोगों के लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मतलब कि ये हेल्पफुल भी है, चीनी भी पूरी कर देता है और आपकी जो शुगर वगैरह उसको लेवल में रखता है, मतलब के सारे काम कर देता है, और ये कुदरती चीज़ है। तो बाकी अभी निकलते हैं, टाइम भी असर की नमाज़ में पढ़ चुका हूँ और अभी कुछ ही देर में मगरिब का टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले पहले हम लोग अपना जो काम है ना वो कर लेते हैं। अभी उन्होंने मुझे कहा था ये नई नई मेडिसिन आई है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, एक साथ 3-4 फार्मेसीज हैं, अल्लाह करे कि मुझे किसी भी फार्मेसी से ना मिल जाए। तो बस
स्टे कनेक्टेड। अच्छा मतलब कि मैं ये ले चुका हूँ स्टीविया वगैरह, ये मिला है मुझे, तो कहते हैं ये जो है ना ये बिल्कुल नेचुरल है, 100% नेचुरल है। तो मैंने जब ये लिया ना तो मैंने बोला, मैंने पूछ लिया कि ये हर जगह यूज़ हो जाता है ना, मतलब चाय वगैरह में, वो कहते हैं हर जगह आप इसे डालें। तो फिर समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, मतलब एक से दम ना जहन में ना गलत गंदे हालात आने लगे। मतलब उन्होंने कहा कि आप किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं। तो बस फुल हवारी के बाद मिला है। मतलब ज़्यादातर ना लोग फार्मेसीज वाले भी ना ये रखते ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं रखते, लेकिन ये नहीं रखते। तो अभी बस सीधा चलते हैं यहाँ से घर। आप मैंने जो मेडिसिन लेनी थी वो भी मिल गई यहाँ से, बाकी मैंने दूसरे फार्मेसी से पता की थी पहले जब मैं बैंक गया था, वो कहते हैं ये नहीं है, ये अभी आपको नहीं मिलेगी, जुमे रात को मिलेगी। शुक्र है मैंने यहाँ से आके ले ली। अच्छा यार देखो, मैं ना अभी ये खा रहा था भुट्टा, तो मुझे ना ये खाते खाते अपने एक सर याद आ गए। तो हमारे ना एक टीचर थे, उनका नाम भी ना भुट्टा था, भुट्टा एक कॉस्ट है। मैंने उनसे ही सुना था कि वो, मतलब मैंने उनसे ही पहली दफ़ा मैंने मतलब सुना था ऐसी भी कोई कॉस्ट है भुट्टा। तो आज ये खाते खाते ना मुझे अपने ना टीचर की याद आ गई है। मसाला अगर नज़र आ रहा हो, पता नहीं आ रहा है क्यों नहीं, मैंने तोने क्या लगाया हुआ है मसाला इस पर। और अभी जो है, ओ भाई सारा मसाला मेरे होंठों पे भी लग गया। अभी जो है मगरिब की अजानें हो रही हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। हाँ जो मैंने मेडिसिन लेनी थी वो भी मिल गई, स्टीविया भी मिल गया, ये अच्छा हो गया। बाकी ना मैंने ना ये देख लिया था, मुझे ये नज़र आ गया, और जब ये नज़र आ जाए ये ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता, मतलब खाने के लिए ना लूँ। गंदी सोच, बहुत गंदी सोच है आपकी, वो मुझे पता लग गया था आपने क्या सोच लिया। अभी ना मैं आया हूँ यहाँ शॉप पे, इनमें से ना कोई चूल्हा वगैरह देखने, मतलब वो वाला किधर है यार, जैसे ये तो सारे ही वो हैं, एक होता है जिसको ऊपर ना ये सारे पड़े हुए हैं कुफों के लिए लेना है, ये तो दूसरे वाला है ना, एक आता है दूसरा लेना ऐसे ही है, लेकिन मैं देख दूसरे वाला रहा था, ये भी पड़ा हुआ है हैवी, ये पूरा ग्लास है लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ऊपर, ये भी पड़े हुए हैं छोटे वगैरह। मुझे ये वाले लग रहे हैं इसको ऊपर से, हाँ ये वाले जो है ना, ये वाले जो है ऊपर जो पड़े हुए हैं ये हैं दूसरे वाले। मतलब पता क्या है, ये सारे गैस वाले हैं, इसमें कोई भी ना इलेक्ट्रिक नहीं है। मतलब इस तरह का फ्लेम वगैरह, या इसको क्या बोलते हैं, स्टोल क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, चूल्हा ही बोल रहे हैं भाई, ऐसा चाहिए कि मतलब इलेक्ट्रिक हो। मतलब अगर बंदा सफ़र पे गया हो तो बस उसको उसके ऊपर लगाएं, इलेक्ट्रिक लगाएं, वायर लगाएं, और साथ ही ना मतलब मोबाइल, मोबाइल मुंह से निकल आया था चूल्हा का मतलब चलने लग जाए। बाकी वहाँ पे सारे थे वो गैस वाले थे, और मैंने जो देखा ना मुझे ऐसे लगा पता नहीं कोई पास आया, यहाँ पे किसी का ना पता भी नहीं लगता, कोई भी ना पास आके ना कुछ भी बोलने लग जाता है, भाई पैसे चाहिए ने, तो वही मुझे ऐसी आवाज़ आई तो मैं भी परेशान हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो बाकी ना ऐसा ही चूल्हा हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सारे गैस वाले थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे ना मतलब गैस वगैरह आती ही नहीं है। अच्छा यार मैं तुम लोगों को बोलने लगा हुआ था स्टोलन स्टोलन स्टोलन, तो भाई चोर को कहते हैं, चोरी को कहते हैं, बेसिकली इसको कहते हैं कुकिंग रेंज भी कह लेते हैं, ओवन भी कह लेते हैं, जो आप कहना बेहतर समझें, मैं ही गलत बोलने लगा हुआ था। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 11:30 का, और वीडियो यहाँ पे आपका भाई करने लगा है एंड, क्योंकि कल की वीडियो भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, अच्छी पता नहीं अच्छी होती है कि नहीं,
तो ये वीडियो हम लोग यहाँ पे करते हैं एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे दिए गए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा के रेड नहीं छोड़ना, सिल्वर कर देना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना होप सारा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।